गाजियाबाद में एसएसपी को सस्पेंड करने के बाद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार को कमान सौंपी गई है, जिसके बाद उन्होंने जिले के इंदिरापुरम समेत कई थानों का निरीक्षण किया और अफसरों को सख्त निर्देश दिए। उनसे खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने। बाद में आईजी प्रवीण कुमार पहुंचे हैं निरीक्षण करने, कई थानों का निरीक्षण किया, क्या मिला, क्या कमियां मिली, बात करते हैं। सर, थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ कमियां, क्या कमियां मिली? देखिए, निरीक्षणों का उद्देश्य होता है कि जो आपकी कार्य क्षमता है उसमें कैसे और वृद्धि हो सके, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा मैन पावर ऑडिट है उसको देखा जाए और उसमें हम कैसे उसमें और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वो विजन उसमें यही रहता है, हमारे जितने क्राइम हुए हैं उसमें से कितने वर्कआउट हुए, कितने वर्कआउट नहीं हुए, जो वर्कआउट नहीं हुए उनमें क्या कार्य योजना है उसका रिव्यू, और प्लस जो हो गए हैं उनमें हम और स्टर्न एक्शन इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, जैसा कि शासन की मंशा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, इन सारे अपराधियों के विरुद्ध पे और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका उद्देश्य होता है, जो कि शासन की नीति भी है, उसी परिप्रेक्ष्य में लोग कर रहे हैं। अब आप गाजियाबाद की कमान अभी फिलहाल में संभाल रहे हैं और आईजी भी हैं जोन के, तो सर अगर इंदिरापुरम की बात की जाए तो इंदिरापुरम में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर निकलती हैं तो चैन स्नैचिंग हो जाती है, ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं। देखिए, ये इतना हाइपरबोलिक वे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हर घटना को हमने इसमें बहुत संजीदगी के साथ लिया हुआ है। कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर अभी अनवर्कड आउट हैं, इनको कि हम लोग इसीलिए इस थाने का चिन्हित करके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कार्य योजना पूरी बना करके इसको वर्कआउट कराया जाए। कुछ अच्छे वर्कआउट्स बहुत कम समय में हुए हैं, वो भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।